एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में अखबार में छपी ताजा खबर, ताजी हवाओं के साथ। भंवर सिंह की हर सुबह का आलम कुछ ऐसा ही हुआ करता था। वैसे तो भंवर सिंह पेशे से एक भूतपूर्व शिक्षक है, लेकिन प्रयास नाम की स्वयंसेवी संस्थान के साथ जुड़कर आजकल समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनका एक ही सपना है, पूर्ण शिक्षित समाज का निर्माण। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो कच्ची बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मास्टर जी। अरे सोनू बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मास्टर जी। पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर जी, मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी। क्या, पढ़ाई छोड़ दी? क्यों रे, क्यों छोड़ दी पढ़ाई तूने? वो आजकल काम पे जाने लगा हूँ ना, इसलिए। क्या, काम पर जाने लगा है तू? पढ़ाई लिखाई छोड़कर तू काम पर जाने लगा है? ऐसा क्या काम कर रहा है तू जिससे पढ़ाई छूट गई तेरी? इसी बस्ती में रहता है ना तू? चल 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 मेरे साथ, आजा, चल आजा, आजा मेरे साथ। अरे सोनू, कैसी हो पार्वती बहन? ठीक हूँ मास्टर जी। सब कुशल मंगल तो है पुष्पा बहन? जी मास्टर जी, सब बढ़िया। इसके घर में तो सब बढ़िया होगा ही ना, इसका पति तो बेलदारी का काम करता ही है और ये खुद घरों में जाके काम करती है। और तो और, इसका लड़का भी कमाने लगा है और एक मेरा खसम है जो कुछ काम नहीं करता। एक बात मैं आप सबको समझाने आया, आप अपने मर्द से बात क्यों नहीं करती है? छोटे बच्चों को काम पे नहीं स्कूल भेजा जाना चाहिए। जी मास्टर जी, आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है। अजी आप क्या जाने, हम गरीबों के घर कमाने वालों का ज्यादा होना कितना जरूरी है, ऐसे तो हमारा घर खर्ची ना चले। फिर बच्चों के किताबें, ड्रेस, इन सब का खर्चा कौन देगा? बहन जी, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले इसके लिए सरकार सामाजिक संस्थाएं व्यवस्था कर रही। जरूरत है आपके और हमारे सहयोग की। हमारे बाप दादा ने हमें बचपन से काम करना सिखाया था और हम अपने परिवार की मदद करें, यही तो हमारे संस्कार है। बचपन में हमने भी तो यही किया था। और क्या मास्टर जी, अब आप हमारे बीच में गलत बात का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे ना। बहन जी मेरी बात आप शांति से समझिए, बचपन पढ़ने लिखने और खेल कूद कर विकास करने के लिए होता है। अब आप ही बताइए, छोटे पौधे में कितनी ताकत होती है, जब वो पेड़ बन जाता है तो कितना उपयोगी, फलदार और छायादार होता है। छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, पुलिस केस बन सकता है। क्यों रे एनजीओ के दलाल, तू हमें पुलिस की धमकी देने आया है? नहीं नहीं भाई, मैं तो इन्हें समझा रहा था। समझा रहा था? पिछली बार तुझे इंसानों की भाषा में समझाया था, लगता है समझ में नहीं आई बात। अब तुझे बातों से नहीं लातों से समझाना पड़ेगा। मारो साले को। अरे अरे मास्टर जी, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अरे रहने दो, जाने दो मास्टर जी, मास्टर जी आप चलिए। अरे आ गए आप? हाँ, बच्चे कहाँ हैं? सरोज तो अंदर पढ़ रही है, सोनू भी अंदर ही होगा। देर से कितने बार कहा है, सरोज का यूं पढ़ना लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिगड़ जाती हैं लड़कियाँ पढ़ लिख कर, और ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो इससे शादी कौन करेगा? अरे आप ये सब बातें छोड़ो जी, खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ लगा दे। सरोज को एक तारीख से गारमेंट फैक्ट्री पर काम पर भिजवा देंगे। बड़ी सिफारिश से काम की तलाश किया है मैंने उसकी। शुरू में काम सीखेगी तो 3,000 रुपये मिलेंगे, बाद में तनख्वाह 5,000 से 6,000 हो जाएगी।
ये कैसी बातें करते हो जी? सरोज तो अभी बच्ची है, अभी तो उसके खेलने खाने के दिन है। अबे बेवकूफ औरत, खेलने खाने के दिन अमीरों के बच्चों के लिए होते हैं, गरीबों के बच्चों के लिए नहीं। क्यों जी, गरीब के बच्चे का बचपन नहीं होता है? और फिर सोनू को तो आपने पढ़ाई छुड़वा कर लगवा ही दिया है ना काम पर, तो अब सरोज क्यों? यूं तो नहीं कि बच्चों के पढ़ने का मन है तो स्कूल भेजे। बकवास मत कर पागल औरत, दो पैसे आएंगे तो घर में काम ही आएंगे, पर उसकी शादी भी तो करनी है। चुग्गू दादा ने बोला है कि अपनी लड़की को काम पर लगवा देगा, और ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अरे अभी से शादी का क्यों सोचते हो जी? तो क्या शादी के दो चार दिन पहले सोचेंगे, और उस वक्त पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे इनकी पढ़ाई लिखाई का सोचो ना। अकल ढेले भर की नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे मैं मर्द हूँ, क्या सही और क्या गलत सब समझता हूँ, पर आज के जमाने में खर्चा लाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है। अरे पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाएंगे? सोनू को भी आपने जबरदस्ती पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगवा दिया, और अब सरोज? अरे तो क्या बुरा किया, अरे पढ़े लिखे घास काटते हैं, आवारा गर्दी करते हैं। अरे मेरा छोरा काम सीख जाएगा तो मैकेनिक बन जाएगा, खुद अपनी कमाई करेगा। जो दिन मैंने देखे ना, वो दिन उसे नहीं देखने पड़ेंगे। पर मैं सरोज को काम पर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, अब से तू तय करेगी इस घर के कायदे कानून। अरे मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची की भलाई के लिए। बच्ची की भलाई के लिए नहीं, तू पूरे घर की बर्बादी के लिए कर रही है। तुझे बोला ना, सरोज 1 तारीख से काम पर जाएगी, बस। आप जिद मत करो जी, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। बोला ना तुझे, 1 तारीख मतलब 1 तारीख। पापा नाराज हो रहे हैं, लगता है 1 तारीख से तुझे भी काम पर जाना ही पड़ेगा। नहीं भैया, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे पापा की बात नहीं मानेगी तो क्या करेगी फिर? पापा बहुत मारेंगे और तब मम्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी, पता है ना तुझे उनका गुस्सा। देख सरोज, शुरुआत में मेरा भी मन नहीं लगा था काम पर अब जब मेरे पास खुद के कुछ पैसे होते हैं तो मैं उन्हें अपनी मर्जी से खर्च कर पाता हूँ। भैया तनख्वाह तो पापा ले लेते हैं ना, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? वो तो नहीं समझेगी। अरे कभी कभी गैराज में मालिक लोग आ जाते हैं तो कुछ पैसे दे जाते हैं, और कभी कभी मैं लोगों के काम सस्ते में करवा देता हूँ और पैसे खुद रख लेता हूँ। नहीं नहीं भैया, कुछ भी हो मैं तो पढ़ूंगी ताकि बड़े होकर अफसर बन सकूं। देख ले, तेरी मर्जी। माँ, क्या सच में मुझे 1 तारीख से काम पर जाना होगा? नहीं मेरी बच्ची, तो इन सब बातों के बारे में मत सोच। सोनो, अबे हरामी के बच्चे कहाँ मर गया? सोनो, अरे सोनू को देखा क्या? चल काम कर। ए सोनू, अबे कहाँ मर गया साले? अबे वहां ग्राहक खड़े हैं और तू काम के टाइम पे सो रहा है। अबे उठ, अब की बार तो बहुत धीरे मारा है, अगली बार काम से हरामीपन किया ना तो ये लात यहाँ नहीं पड़ेगी, सीधे अंदर घुसेड़ दूंगा। देख सोनू बेटा, तेरा प्रॉब्लम पता क्या है? तू ना बहुत जल्दी थक जाता है। तू एक काम कर, ये देख, इसे ले, ये है ताकत की दवाई, इसे खाएगा ना तो पी ले, इससे तेरी ताकत बढ़ेगी। पी ले, पी ले, पी ले। क्यों जी, दिन कैसा रहा? अरे वाह भाई वाह, अरे मैं कोई अफसर हूँ जो दिन कैसा रहा पूछ रही है? अरे बेलदार हूँ बेलदार, पूरे दिन भर बेलदारी करता हूँ।
और गरीबों के दो तरह के दिन होते हैं, एक जिस दिन उसे काम मिलता है और एक जब उसे काम नहीं मिलता। वो मैं पूछ रही थी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ। वो मैं कह रही थी, मैं देर शाम तक दो और घरों में झाड़ू पोछा कर लूँ तो हमारी कुछ कमाई बढ़ जाएगी, तो सरोज को भी काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तू माँ है या उसकी दुश्मन? अरे मैं उसके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, तेरे पल्ले नहीं पड़ रहा क्या? चल भाग और दोबारा इस बारे में बात मत करियो। मास्टर जी नमस्ते। पुष्पा मैम कैसी हो? मास्टर जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो मेरे पति हमारी बच्ची को पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर काम पर भेजना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, आप मेरी कुछ मदद करो ना। चलो मैं तुम्हारे पति को समझाने घर आता हूँ। उन्हें मैंने समझाने की खूब कोशिश कर ली, पर वो तो सरोज को काम पर भेजने की जिद लगाए हुए हैं, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता? एक रास्ता है। क्या? पुलिस स्टेशन चल चलते। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं मास्टर जी, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। तुम चिंता मत करो, पुलिस सीधे केस दर्ज नहीं करती, वो बस तुम्हारे पति को समझाएगी ताकि उसके मन में डर बैठ सके। मैं इतना सब तो नहीं जानती मास्टर जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि सरोज को काम पर ना जाना पड़े और मेरे पति को भी कुछ ना हो। तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ आओ। हाँ साहब बताइए क्या समस्या है। सर ये पुष्पा देवी है, इनसे जुड़ी समस्या है, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है सर। भाई फटाफट समझाओ क्या बात है, भूमिका बनाने में समय खराब मत करो। बताओ पुष्पा। साहब मेरी एक लड़की है 12 साल की, मेरा पति उसे पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर काम पर लगाना चाहता है और मैं चाहती हूँ वो अभी पढ़ाई लिखाई करे। साहब वो बहुत छोटी है, अभी उसकी उम्र काम करने की नहीं है, वो पढ़ना चाहती है। साहब आप मेरे पति को मना कीजिए ना कि वो उसको काम पर ना भेजे। तो आप समझाइए ना अपने आदमी को। साहब मैंने उनको खूब समझा लिया पर वो मान ही नहीं रहे हैं। बताइए जब वो आपकी बात नहीं मान रहे तो हमारी क्या हक मानेंगे? देखिए बहन जी ये आपके घर का मामला है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है ना भाई? अरे हर काम के लिए पुलिस थोड़े ही है। घरेलू मामला नहीं है साहब, बच्चों के भविष्य का मामला है, बच्चों को काम पर भेजना कानूनन अपराध है सर। ओ भाई कानून की सारी जानकारी तुमको ही है तो तुम ही इनकी समस्या सुलझा दो, हा? हमारे पास किस लिए लाए हो? ये तो पुलिस का काम है तो पुलिस ही करेगी ना सर। अरे कुछ काम खुद भी कर लिया करो, हर काम पुलिस थोड़ी करेगी। चलो भाई अभी बहुत काम है, कल आना प्लीज। साहब चलिए बहन जी कल आइएगा, कल देखते हैं। मास्टर जी थाने के 3-4 दिन से लगातार चक्कर लगाकर हम परेशान हो गए हैं, यहाँ तो थाने में हमारी कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं पुष्पा बहन, आज नहीं तो कल कुछ और रास्ता देखेंगे। देखिए यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो अंदर बड़े साहब हैं उनके पास चले जाओ। चलो देखिए आपकी बात तो सही है, इतनी छोटी बच्ची को काम पर भेजना सही नहीं है। यदि आपके पति ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। एक काम करिए
आप अपना एड्रेस लिख कर दीजिए मुझे। मास्टर जी, ठीक है, चलिए मैं दिखवाता हूँ। प्लीज साहब, प्लीज। बैठिए 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 आप। देखिए, ये हमारी ड्यूटी है और हम समझते हैं इतने छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से विरक्त करके काम पे लगाना गलत है। आप यकीन रखिए, मैं कुछ करता हूँ। धन्यवाद सर। शुक्रिया साहब। पुष्पा बहन, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सर, आपकी इजाजत हो तो एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। सर, आप सक्षम हैं। ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है, आप ही हैं जो इन बच्चों के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। सर, हाँ हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, इस बस्ती में एक जग्गू दादा है और न जाने कितने जग्गू दादा है इस पूरे शहर में, जो मकबूल मिर्जा, जो की कई फैक्ट्रियों को चलाता है, उसके लिए काम करते हैं। ये नाबालिग बच्चों को ला करके इनसे गलत काम करवाता है। सर, अगर आप इस विषय पर जांच करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर सर, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों को मुक्त कराया जाए जिनका भविष्य ऐसी जगहों पर गिरवी रखा है। आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है सर, ऐसे बच्चों की रक्षा कीजिए। सर, ऐसे बच्चों की रक्षा कीजिए। सर भंवर सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है, निश्चित रूप से मैं इस पर काम करूंगा। एक काम करो, आप शाम को आके मुझसे मिलो। और हाँ, पुष्पा जी को बता देना, उन्हें जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। धन्यवाद सर। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा। जी, कहिए। पुष्पा, तू बिल्कुल ठीक बोल रही थी, हमारी सरोज को हम काम पर नहीं भेजेंगे। तू जैसा करना चाहती है वैसा कर, तू ही इस घर की मालकिन है। मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूं, तू जाने और तेरा काम जाने। मतलब अब सरोज काम पर नहीं जाएगी? अब तुझे क्या ये लिख कर दूं? अरे रमेश, याद है ना, परसों से बेटी को काम पे भेजना है। जग्गू दादा, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, आप सभी की भलाई करते हो, पर मैं अपनी बेटी को काम पर नहीं भेज पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ है जग्गू दादा, मैं अपनी बेटी को काम पर नहीं भेज पाऊंगा। अरे हुआ क्या है, बताएगा अब? पता नहीं किसी ने थाने में जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। वहाँ के इंचार्ज ने मुझे बुलाकर हिदायत दी है कि अगर मैं अपनी बेटी को काम पर भेजूंगा तो वो मुझे उठा लेंगे। उठा लेंगे? मेरे मालिक मकबूल मिर्जा शहर के बहुत अमीर आदमी हैं, न जाने कितने गैराज, भट्टियां, फैक्ट्री चलते हैं उनके, और उनमें न जाने कितने ही बच्चे काम करते हैं। ये पुलिस वुलिस सब उनकी जेब में है। जग्गू दादा, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, मैं पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। देख, भूल मत, मैंने तुझे 1,00,000 रुपया उधार दे रखा है। मैं आपके पैसे 1-2 महीने में लौटा दूंगा, पर अपनी बेटी को काम पर नहीं भेजूंगा। रमेश, अभी भी वक्त है तेरे पास। अरे भैया, आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? तू देखना, ये 10 बार आएगा अपने पास, नाक रगड़ते हो।
अजी सुनते हो, कल शाम को सरोज को स्कूल में इनाम मिलेगा। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया है। हमें कल उसके स्कूल चलना है। नहीं नहीं, अपना काम धंधा छोड़कर स्कूल स्कूल नहीं जाने वाला। तुझे जाना हो तो जा, स्कूल में बुलाया। चलिए ना, उसे कल मकबूल मिर्जा जी से इनाम मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। किससे इनाम मिलेगा? मकबूल मिर्जा जी से। तू यहां बैठ, मैं भी आता हूं। भैया देखिए, रमेश इधर अपने पास ही आ रहा है। बोला था ना तुझे 10 बार आएगा। क्या रमेश, बहुत परेशान लग रहा है, हैं? और यहाँ क्या कर रहा है? दादा, आपने कहा था कि पुलिस मुर्जा साहब की जेब में, उनसे कहकर मेरी परेशानी दूर करवा दो। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था। खैर कोई बात नहीं, तूने यहाँ के बहुत बढ़िया काम किया है। वो देख सामने प्रिंसिपल के साथ बैठे हैं ना, वही है मिर्जा साहब। धन्यवाद दादा। चल मैं भी चलता हूँ उनके पास। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। ठीक है दादा। आज हिंदी दिवस पर आयोजित काव्यांजलि में विद्यालय की सबसे होनहार, प्रखर और मेधावी छात्रा सरोज एक कविता प्रस्तुत कर रही है। ऐसी भावपूर्ण व मर्मस्पर्शी कविता पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। मेरे हिस्से की धूप को किसने निगल लिया, किसने चुरा लिया वो अधपका सा सपना मेरा। है कौन वो बता जो करता अपनों से जुदा, है गैर वो कोई या कोई अपना मेरा। मैं बागों में झूले झूल नहीं पाती, संग सखियों के अब खेल नहीं पाती। मैं बागों में झूले झूल नहीं पाती, संग सखियों के अब खेल नहीं पाती। ना बारिश में अब नावे बहाती, ना गुड़ियों के संग कोई सपने सजाती। खबर ही नहीं कब हो गई मैं बड़ी, किस मोड़ से फिसल गया बचपना मेरा। किसने चुरा लिया वो अधपका सा सपना मेरा। ये सियासत के नारे सच है भला क्या, ये सियासत के नारे सच है भला क्या, ये हुक्मरानों के जुमले सच है भला क्या। जो सच है तो बोलो, कहाँ है मेरी खुशियाँ, मेरे हिस्से का आंगन कहाँ है, मेरी गलियाँ, मेरी खनक चहक खिलखिलाहट कहाँ है, निडर होकर घूमूं वो बसावट कहाँ है। पढ़ लिख कर बन जाए काबिल जरा सा, पढ़ लिख कर बन जाए काबिल जरा सा। बोलो क्यों अखरता है पढ़ना लिखना मेरा, किसने चुरा लिया वो अधपका सा सपना मेरा। ना वादे ना नारे बस हक चाहिए, ना वादे ना नारे बस हक चाहिए। जहाँ दौड़े बचपन मेरा वो सीधी सड़क चाहिए। कलम और कागज से जुड़ जाए नाता मेरा, कलम और कागज से जुड़ जाए नाता मेरा। बस एक ऐसा सिलसिला बेधड़क चाहिए। अगर ठान लो तुम तो मुश्किल भला क्या, हर आंगन में बचपन की महक चाहिए। जी भर के जीले बचपन को हम भी, जी भर के जीले बचपन को हम भी। बस यही अर्ज मेरी, बस यही मान रखना, बस यही अर्ज मेरी, बस यही मान रखना मेरा। मकबूल मिर्जा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कहिए। कहिए नहीं, चलिए पुलिस स्टेशन, खातिरदारी करनी है आपकी मकबूल मिर्जा। इंस्पेक्टर साहब एक बार साइड में चलिए। नहीं मकबूल, पूरी जिंदगी तुमने साइड में बात कर करके इन बच्चों के भविष्य की नींव खोखली कर दी है। आज वक्त आ गया है कि तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ जाए।
प्लीज। पुष्पा बहन, आपको भी थाने चलना होगा। थाने? पुष्पा जी, सोनू, सोनू, सोनू बेटा, क्या हुआ तुझको बेटा? ये क्या हो गया तुझको बेटा? क्या हुआ तुझको? पुष्पा जी, ये सभी बच्चे हमें नशे की हालत में मिले हैं। आपका बेटा सोनू भी हमें नशे की हालत में मिला है। जहाँ ये लोग काम करते थे वहाँ इनको नशीली चीजें दी जाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा ये काम कर सके। सोनू, मेरा बच्चा, सोनू, सोनू, देख लिया अपने लालच का नतीजा? मैंने कहती थी अपने बच्चों को अभी काम पर मत भेजो। मुझे माफ कर दे पुष्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मैंने ये सोच लिया कि आज के बाद मेरा बच्चा काम पर नहीं बल्कि स्कूल जाएगा। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दे। वर्षा जी, इन बच्चों को हॉस्पिटल भिजवाने की व्यवस्था करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए भंवर सिंह जी, धन्यवाद तो आप सबों का है। पुलिस ने बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपना काम किया है। अब ये आप सब की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि हम ऐसा फिर से ना करें जिससे बच्चों का बचपना छिन जाए। बच्चे आज़ाद पंछी की तरह आकाश में उड़ते रहें, यह हम सब का दायित्व है। पुलिस का साथ हमेशा आपको मिलेगा, पर आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। आप सबसे यही मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।